कांग्रेस के संसदीय सम्मेलन में गूंजा वीरभद्र का नाम। कभी कांग्रेस के मजबूत गढ़ रहे मंडी संसदीय क्षेत्र में सियासी भंवर में फंसी कांग्रेस को अब वीरभद्र के सहारे की दरकरार है। मंडी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों का सम्मेलन बिपाशा सदन में आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कांग्रेस में वापस लौटे दिग्गज नेता पंडित सुखराम के अलावा मंडी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर, विधायक विक्रमादित्य, कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और रामपुर के विधायक नंदलाल, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि 2 माह पूर्व ही उन्हें राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करती है, वहीं पर युवा सोच को भी आगे बढ़ाती है। इसी के बीच संतुलन रखते हुए चारों प्रत्याशियों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यह संदेश दिया है कि लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम देने वाले ही विधानसभा के टिकट के दावेदार होंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी में भी चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि ये चुनाव धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिक ताकतों के बीच हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी हिटलर की तर्ज पर काम कर रहे हैं। वहीं पंडित सुखराम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से आश्रय शर्मा सांसद बन जाएंगे। वहीं पर केंद्र की सरकार बनाने में आश्रय का योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके समर्थन के बाद ही भाजपा को मंडी में 9 सीटें मिली हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वीरभद्र सिंह मंडी में आश्रय शर्मा के प्रचार के लिए आएंगे। नूरपुर के पास मलकवाल ठेहर लिंक रोड पर चेली खुवाड़ा गांव में हो दर्दनाक हादसे को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। बच्चों के माता पिता आज भी उस जख्म को नहीं भूल पाए हैं और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को याद कर आज भी उनकी आंखों में आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। गांव वाले आज भी इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं कब इंसाफ मिलेगा। आज दर्दनाक हादसे में स्कूल बस में मृतकों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गांव के विक्रम सिंह, करण सिंह, हंसराज, सीमा देवी, सिमरन ने बताया कि आज के दिन ही गांव के 24 बच्चे, एक ड्राइवर, 2 अध्यापक और एक अन्य दर्दनाक हादसे का शिकार हुए थे। बड़े ही अफसोस की बात है कि शासन हो या प्रशासन, या पक्ष हो या विपक्ष, किसी ने भी खुलकर साथ नहीं दिया जिससे हमारे बच्चों को इंसाफ मिल सके। गाँव के लोग मुख्यमंत्री, हर मंत्री से और जिलाधीश से मिले, यहाँ तक कि जिलाधीश के दफ्तर जाकर नाक तक रगड़ी कि हमारे बच्चों की CBI जाँच करवाई जाए जिससे हमें इंसाफ मिल सके। और हमारे बच्चों की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन आज दिन का ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष हो गया है, इस हादसे को सरकार डैमेज रिपोर्ट तक नहीं बना पाई है। इसमें सरकारी अधिकारी फंस रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके चलते ही पूरा गांव इस बार लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करेगा, किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं डाला जाएगा। अगर राजनीतिक दल इन बच्चों को इंसाफ नहीं दिला सकते तो कोई भी राजनीतिक दल इस गांव में वोट मांगने मत आना। अगर आप इन बच्चों को इंसाफ नहीं दिलवा सकते तो आपको कोई भी हक नहीं है वोट मांगने का। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पालमपुर के नगरी में भाजपा युवा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर कांगड़ा चंबा से सांसद शांता कुमार, लोकसभा प्रत्याशी किशन कपूर, प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, कृपाल परमार सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। प्रत्याशी किशन कपूर ने लोगों से भाजपा के लिए वोट की अपील की। वहीं CM जयराम ने अपने संबोधन में कहा कि हम मोदी भाजपा को वोट नहीं मांग रहे, देश की रक्षा सुरक्षा को लेकर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। CM ने कहा कि कांग्रेस PM के युवा राहुल की बात कर रहे हैं, इसमें बेशक राहुल उम्र के हिसाब से युवा हैं, लेकिन युवाओं की पसंद PM मोदी हैं। CM ने कहा कि मोदी का काम करने का तरीका जनता की समस्याओं को समझना और इस देश को बदलना ही उनका एकमात्र मकसद है। वहीं सांसद शांता कुमार ने कहा कि उन्हें खुशी है जिस प्रदेश की जनता की सेवा की, उस दायित्व को जयराम ठाकुर बखूबी निभा रहे हैं। शांता कुमार ने कहा, अब मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि
चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, पिछले 50 सालों से शासन किया, अब निभाने की बात की जा रही है। शांता कुमार ने कहा कि बीजेपी को जब भी जनता ने आशीर्वाद दिया है, भाजपा ने निभाकर दिखाया है। प्रदेश में सीएम जयराम ने कुछ ही समय में कई विकास योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी सरकार बनना तय है। शांता कुमार ने कहा कि किशन कपूर को अपार सफलता के लिए वे खुद लोगों के बीच में हैं। पुरानी चुनाव की राजनीति को जब छोड़ रहा हूं लोकसभा को, तो उस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के एक बहुत योग्य कार्यकर्ता जिन्होंने मंत्री के रूप में एक बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसे श्री किशन कपूर जी को आपके सामने लाया हूं, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं सचमुच अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। जो जो जिम्मेदारी निभाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी, आज उन सब जिम्मेदारियों पर